एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा माँ। तो बेहद छोटे में जब रॉकिंग स्टार यश थे और जो अपनी माँ से प्रॉमिस किए थे उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आने वाले हैं चैप्टर 3 में। और बेहद ये रॉकिंग स्टार यश ये नहीं बोले थे कि सिर्फ कोलार गोल्ड का ही सोना लाकर दूंगा माँ, पूरी दुनिया का सोना लाकर देने वाला हूँ। देश विदेश और पूरे दुनिया भर का जितना भी सोना है वो सारा लाकर देने वाला हूँ। तो बेशक आपको बता दूं कि चैप्टर 3 में होने वाला है सबसे बड़ा धमाल और जिससे रिलेटेड आई है बहुत बड़ी अपडेट। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेहद आपको बताना चाहूंगा कि KGF चैप्टर 1 भी देख लिए आप लोग, चैप्टर 2 भी देख लिए और ऑलरेडी अब चैप्टर 3 को लेकर आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर फाइनली अपडेट कर दिया गया था कि इसकी चैप्टर 3 भी आने वाला है। और आपको बता दूं इससे पहले आपको देखना पड़ेगा सलार, बिल्कुल जिसमें आप लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज एक रखा गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डायरेक्ट किए थे प्रशांत ने, उसी तरह चैप्टर 3 को भी करने वाले हैं डायरेक्ट प्रशांत ने। और बेहद आप लोग को बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े ट्रैक पर यह फिल्म बनाई गई है, जैसे हॉलीवुड लेवल का फिल्म बनता है उसी तरह सस्पेंस से बड़ी एक मास्टरपीस साउथ की हॉलीवुड लेवल फिल्म आ रही है। इस तक आप लोग को बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा सस्पेंस छुपी हुई है चैप्टर 3 को लेकर जो खुलने वाला है सलार मूवी में। जी हाँ, सलार मूवी आप लोग को देखना पड़ेगा जो KGF चैप्टर 3 से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। और बेशक आप लोग को बताना चाहूंगा कि जब सलार आप फिल्म देखेंगे जो उसमें आप लोग को बहुत सारी चीज पर खुलासे होंगे। और आप लोग को बताना चाहूंगा रॉकिंग स्टार यश मरे नहीं है, बल्कि उनको बहुत बड़ा प्लानिंग करके ये चीज ट्रैक तैयार किए हैं और उस प्लान पर रॉकिंग स्टार यश चलने वाले हैं। बेहद आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगले महीने आ रहे हैं सलार फिल्म के टीजर जो बेहद कमाल का होने वाला है, उस मूवी से रिलेटेड भी आप लोग को अपडेट मिलने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज रखा जा रहा है चैप्टर 3 को लेकर। तो आप लोग को देखना पड़ेगा सलार फिल्म। वेल, कितने ज्यादा एक्साइटेड है KGF चैप्टर 3 को लेकर, अपना अपना ओपिनियन जरूर देते जाए। दिनों में पीछे कर चुकी है। और अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने पांचवें दिन इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 611 करोड़ रुपए का अपने शुरुआती 5 दिनों का हो चुका है। आज दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है, जिसमें दोस्तों आज के भी इस फिल्म के कलेक्शंस हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ रुपए के आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हिंदी में इस फिल्म का जो टोटल है वो 240 करोड़ रुपए के हो चुके होंगे। और दोस्तों ये फिल्म कल के दिन में RRR के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को हिंदी में पीछे कर चुकी होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म आज 670 करोड़ रुपए की कमाई के साथ इंडियन सिनेमा की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी होगी और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है। दोस्तों इस फिल्म का जो बजट था वो मात्र 100 से 120 करोड़ रुपए का था और जिस तरह की कमाई इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर की है, ये फिल्म इंडियन सिनेमा की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, RRR और KGF चैप्टर 2 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा अच्छी फिल्म कौन सी है? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद जी।